बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है कंफर्ट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। ये बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करते हैं एक मरतबा। सर ये कह रहे थे जनाब, कंफर्ट हाउसिंग लिमिटेड इज डेवलपिंग हाउसिंग स्कीम। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट बाय स्मार्ट इंजीनियर्स। एन एग्रीमेंट इन दिस रिस्पेक्ट वॉज साइंड ऑन 1 जुलाई 2012। देखिए एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में 1 जुलाई 2012 को, ठीक है जी। द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज अग्रीड टू बी 250 मिलियन एंड द प्रोजेक्ट इज टू बी कम्प्लीटेड बाय 30 जून 2014। अब देखो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2012 से, ठीक है, कम्प्लीट होगा 30 जून 2014 को। देखिए ऊपर जो डेट्स लिखी हुई है ना, इसमें 1 जुलाई 2012 की डेट अगर आप नीचे आके डाटा देखेंगे ना, तो एक रेलेवेंट डेट है, ठीक है जी। 30 जून 2014 को ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है जी। और अगर मैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जाऊँ तो ये मुझे कह रहा है कि जनाब कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, ठीक है जी। इसका मतलब है मेरे लिए रेलेवेंट पीरियड है 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013, ठीक है जी। तो मैं मंथ्स ड्राफ्ट कर लेता हूँ सर, जुलाई अगस्त, सर ये है मेरा टाइम पीरियड, ठीक है जी। अब इस टाइम पीरियड को, ये टाइम पीरियड है जिसमें प्रोजेक्ट मेरी जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है ये उसका टाइम पीरियड, प्रोजेक्ट 2014 तक जा रहा है, मुझे 2013 तक का हिसाब किताब देखना है। अच्छा कह रहा है 1 अप्रैल 2012 को हमने एक जनरल लोन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 100 मिलियन की जो है वो बैंक से सेंक्शन करवाई है, ठीक है जी। अच्छा देखिए जब ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी मिलती है ना, आपको 100 मिलियन रुपये कैश नहीं मिलता, आपको एक अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप चेक ड्रॉ कर सकते हो, जितने पैसे आप निकालोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पूरी फैसिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं लगता। फिर वो कह रहे जनाब द रिसीट एंड पेमेंट्स फ्रॉम द अबव अकाउंट्स आर एज अंडर। अब अगर मैं पहली रिसीट देखूँ इसमें ना, तो एक 12% का लोन है, इसका मतलब है कंपनी ने स्पेसिफिक लोन भी लिया है 30 मिलियन रुपए का। और हमने पढ़ा था कि सर स्पेसिफिक ये लोन इसलिए कंसिडर किया जा रहा है कि छोटा लोन है 30 रुपए का और प्रोजेक्ट का अमाउंट 250। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक एसेट हो और एक लोन हो छोटा तो हम उसको स्पेसिफिक ट्रीट करते हैं, बाकी का हम फाइनेंस कर लेंगे किससे, जनरल से। तो सर अगर मैं क्रोनोलॉजी बनाऊँ ना, तो 1 अप्रैल को मैंने एक स्पेसिफिक लोन लिया और वो लोन लिया मैंने कोई 30 मिलियन रुपीज़ का, ठीक है जी। इसके बाद 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा, 30 अप्रैल को 25 मिलियन निकल गए। अब देखें ये अप्रैल का महीना मेरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जून से, जुलाई से, जुलाई 2012 से। खैर मैं इस डाटा को चूंकि मैंने शुरू से लेके चलना है और अपना फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तो वहाँ कनेक्ट करना है उसको, तो मैं इसलिए इसको देख रहा हूँ। इसका मतलब ये कि सर जब अप्रैल ख़त्म हुआ तो मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 रुपये पड़े हुए थे, और आप अगर उसके बाद देखें तो 1 जुलाई तक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास 1 जुलाई को जो बैलेंस पड़ा हुआ था अकाउंट के अंदर वो 5 रुपये का था, मैं ये स्पेसिफिक का बैलेंस देख रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था 5 रुपये का। फिर अगर मैं सर जनरल लोन का हिसाब किताब देखूं तो अभी तक हमने जनरल लोन यूज नहीं किया, ठीक है जी। सर 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की तो कहानी खत्म हो गई। फिर हम पहुंचे सर 30 जून पे, उस तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं, जुलाई के महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि एंड पे आके आपने 35 मिलियन का एक खर्चा किया। अब देखें इसमें सबसे पहली ट्रांजेक्शन ये आ रही है अप्रैल के बाद, 35 मिलियन का खर्चा मैंने कहाँ से किया होगा, मेरे पास तो अकाउंट में पड़े 5 मिलियन है। तो इसका मतलब है सर मैंने 5 मिलियन ये और 30 मिलियन जनरल का पैसा यूज़ किया, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक का बैलेंस है और ये जनरल का बैलेंस नहीं है बल्कि एक्सपेंडिचर है, आपको याद होगा हमने इसको इसी तरह क्लास में देखा ना, ठीक है जी। सर 30 मिलियन का एक्सपेंडिचर है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सर 31 जुलाई के बाद अगली ट्रांजेक्शन आ रही है 1 सितंबर को, इसका मतलब है अगस्त का पूरा महीना जो है वो ये आउटस्टैंडिंग रहा थी। 1 सितंबर को हमें 25 रुपये रिसीव हुए, 25 रुपये रिसीव हुए कहाँ से रिसीव हुए, कस्टमर से रिसीव हुए, तो हमने इस पर जनरल लोन पे ऑफ कर दिया होगा, हमारे पास पैसा बच गया होगा 5 रुपये का, ठीक है जी। अब सर ये चलता रहा होगा सितंबर के महीने से लेके कहाँ तक, सर ये आया जनवरी के महीने तक, 5 रुपये 5 रुपये और 5 रुपये। जनवरी की 1 को पहली इंस्टॉलमेंट फिर कस्टमर से रिकवर हुई है, ठीक है, 15 रुपये की।
तो सर इससे मेरा जनरल लोन ख़त्म हो गया और मेरे पास बैंक अकाउंट में सरप्लस 10 रुपये आ गए। अच्छा, ये 10 रुपये चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसका इंटरेस्ट इनकम मैं अपने प्रोजेक्ट पे नहीं लूँगा, क्योंकि सर ये मेरे ऐसे कैश फ्लोज हैं जो ऑपरेशन से जनरेट हो रहे हैं, तो सर और जनरल लोन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आता भी नहीं है। तो मैंने इसको साइड पे रख दिया कि जी इस अकाउंट में 10 रुपये पड़े हों जो कस्टमर्स की तरफ से आए हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा हमने जनरल लोन सबसे आखिर में यूज़ करना है। तो जनवरी के महीने में कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं हुई सर, जनवरी के एंड पे हमने 40 रुपये का एक खर्चा किया। अच्छा, 30 रुपये मेरे 40 रुपये में से 10 रुपये तो मेरे पास पड़े हुए थे, 30 का मैंने जनरल लोन ले लिया, ठीक है जी। अब 31 जनवरी इज एज गुड एज फर्स्ट फेब, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद सर मेरे पास 1 अप्रैल तक ये अमाउंट इसी तरह आउटस्टैंडिंग रही। 1 अप्रैल को मेरे पास 18 रुपये है, आने के बाद सर मेरे पास ये 12 रुपये का रह गया। सर मैंने फिर 31 मई को 48 रुपीज़ पे किए, मई की 1 को 12 रुपये पड़े हुए थे, 31 मई इज एज गुड एज 1 जून, तो सर मैंने 48 रुपीज़ और पे किए तो मेरे पास 60 रुपये का बैलेंस हो गया। सर ये थी मेरे पास पोजिशन स्पेसिफिक और जनरल लोन्स की, ठीक है जी। अब अगर मैं सर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन निकालूं तो मैं कहूंगा सर बोरिंग कॉस्ट, सबसे पहले मैं बोरिंग कॉस्ट देखूंगा किसकी सर, स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक में सर मैं देखूंगा जनाब सबसे पहले लोन अमाउंट, मेरे पास रेट क्या था, मेरे पास टाइम कितने मंथ्स का था और मेरे पास बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट कितना है, ठीक है जी। तो सर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे पहला लोन का अमाउंट था 30 मिलियन था और तीस मिलियन का लोन था, और सर ये कितने कितने रेट पर हमने उठाया था, 12 महीने। सर यहाँ लिखा हुआ है कि एक महीना, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो सकते हैं 8% पे और मार्च का पूरा महीना जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्शन बंद रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर मेरे पास कोई 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा है। 30 रुपये का लोन, 12% का रेट, 11 महीने डिवाइड बाय 12, सर ये आ गए मेरे पास बोरिंग कॉस्ट जो मैंने कैपिटलाइज करनी है किस लोन के ऊपर, स्पेसिफिक लोन के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ गया स्पेसिफिक लोन। अब मैं अगर कहूँ कि सर मेरे पास स्पेसिफिक लोन के अंदर से इन्वेस्टमेंट इनकम भी है सर, ये तो बोरिंग कॉस्ट हो गई। इन्वेस्टमेंट इनकम वो कितनी है सर, तो 5 रुपये की इनकम है सर, 5 रुपये का अमाउंट है और उस पर रेट है सर हमारे पास कितने का, कोई 8% का, ठीक है जी। एक महीना ही आउटस्टैंडिंग रहा है वो, तो मैं अगर कहूँ सर माइनस में दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 12, तो सर मेरे पास स्पेसिफिक लोन से नेट 3 रुपये 27 पैसे का अमाउंट कैपिटलाइज हुआ, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ सर जनरल की, सर जनरल की बात करूँ तो जनरल में सर मेरे पास सर लोन का अमाउंट ही है सर, जनरल में मेरे पास 30 रुपये स्टार्ट हुए कितने महीने, एक महीना आउटस्टैंडिंग रहा। सर मेरे पास 5 रुपये का लोन 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, मेरे पास 30 रुपये का लोन 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहा और मेरे पास 12 रुपये का लोन 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। अच्छा सर, इसके अंदर मार्च का महीना चूंकि ऐसा था कि जिसके अंदर जो है वो सस्पेंशन थी, तो मैं इसको 1 कर रहा हूँ, ठीक है जी। 60 रुपये का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा एक महीने, ठीक है जी। रेट क्या था सर हमारे पास जनरल लोन का रेट जो था वो कोई 8% के करीब था, सॉरी 14% के करीब था, 0.14, ठीक है जी, 0.14 रख दिया मैंने। अब 0.14 पे सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 30 रुपीज़ इंटू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी, और मैं हर एक का इंटरेस्ट निकाल लूँ, तो सर मेरे पास ये टोटल अमाउंट बनता है कोई 1 रुपये 91 पैसे। तो ये मेरे पास सर टोटल बोरिंग कॉस्ट जो बनती है, जो कैपिटलाइज करने के लायक है, टोटल बोरिंग कॉस्ट जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है वो है दिस प्लस दिस, और ये अमाउंट बनती है सर 5.18। थैंक यू वेरी मच सर।